ओके सो हे है बस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सो कस कैसे हैं आप सभी आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे तो बस आज का जो हमारा कंसेप्ट है वीडियो का टाइटल तो हमने देख के आप समझ ही गए होंगे तो कस इस वीडियो में जितने वैक्ट बिंकि जिसका मैं यूज़ करूँगा सभी का लिंक आप सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा तो आप इजीलि वीडियो देखने वाला जाकर डाउनलोड कर लेना सो so, बस वीडियो हमारी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है अगर अभी तक आप सुनी वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक कर दो तो चलेगा इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं सो so, गाइस सबसे पहले आप सभी को करना है गाइस आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है देन गाइस उसके बाद आप सबको चले जाना है एड फोटो में गाइस आप सभी को अपने मॉडल को ले लेना है एंड गाइस मॉडल का जो uh, कुछ स्टेप्स ऐसे यहाँ पे आपको रखना है ठीक है एंड साइज जो है जगह ज़्यादा बड़ा ना हो जाए ठीक है इतना ध्यान रखना आप इस चीज़ का एंड उसके बाद इसकी ओपोसिटी थोड़ी सी कम कर लेना इरेजर टूल में जाना है इरेजर पर क्लिक करना है एंड इसकी हार्डनेस यहाँ पर फुल कर लेना है एंड उसके बाद यहाँ से इरेज़ करना है ठीक है तो वैसे कह यहाँ पे हार्डनेस फुल करने की जरूरत है नहीं मेरे को नहीं लगता वैसे क्योंकि यार इसमें हार्डनेस कम रखेंगे तभी हमारा जो मॉडल का जो पैर होंगे क्लाउड्स के अंदर जब भी जाएंगे ठीक है तो आप हार्डनेस हम नाइनटी तक रख लेते हैं नहीं थोड़ी सी और कम कर लेते हैं एंड उसके बाद तो ओपोसिटी कम कर देते हैं एंड उसके बाद यहाँ से आप इरेज करते हैं ठीक है तो कैसे कुछ स्टैप्स से ऐसे इरेज करना आप सभी को एंड फिर उस साइड इस साइड से इरेज कर देना है ठीक है तो कुछ टाइप से कर देने के बाद आप सभी को फिर आगे क्या करना है गाइज आप सभी को पहले मतलब कि चारों तरफ से रेस कर लेना ऐसे ऊपर ऊपर से भी हल्का हल्का ठीक है तो इतना हो जाने के बाद आप सबको फिर जो करना है आप सबको यहाँ से इसको डन वाला ऑप्शन पर जाना है एंड इसकी ओपोटिट फुल कर देना है एंड उसके बाद गज यहाँ पे आप सबको सिंपली डन वाला ऑप्शन पर क्लिक करके डन कर देना है डन देन गज इसके बाद आप सबको दोबारा एड फोटो में जाना है ठीक है तो एंड गज यहाँ पे आपको मैं एक स्मोक का पी दे दूंगा तो आप सबको सिंपली इसको लेना है एंड यहाँ पे ऐड करना है इसका इसका थोड़ा सा फुल साइज करना है एंड इसके बाद ब्लैंडिंग मोड में जाना है एंड इसको स्क्रीन कर देना है एंड इसके बाद आपको इसको नीचे की तरफ कुछ स्टेप्स रख देना है ओके गज फिर इसके बाद यहाँ पे आप सबको कर देना है डन अब आप गाइज आपसे कोई करना क्या है आपसे भी उगज इसमें थोड़ा सा ना इसका सचुरेन मैनेज इस करना है तो उसके बाद जाएंगे एडजस्ट में एडजस्ट में जाने के बाद आपको जाना सचुरेशन वो ऑप्शन में एंड इसको सेचुरेशन जो है माइनस एट तक रख देना है एंड इसका यहाँ पे कर देना है डन ठीक है अब गाइज आपसे कोई इस फोटो के यहाँ पे सेव कर लेना है इसको ओपन करना है लाइटरू ऐप में लाइटरू ऐप में ओपन करने के बाद आपसे को चले जाए वाले ऑप्शन में इसका जो कॉन्ट्रास होगा आपको उसको बढ़ा देना है ना हाईलाइट जो होगा उसको कम कर देना है एंड जो शेडो होगा उसको बढ़ा देना है जो वाइट होगा उसको कम कर देना है ब्लैक है जिसको भी कम कर देना है फिर चले जाना नीचे वाइब्रेशन को बढ़ा देना है जो होगा जिसको कम कर देना है चले जाना कलर मिक्स में ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना इसका सचुरेशन थोड़ा माइनस कर देना है ल्यूमिनस बढ़ा देना है फिर चले जाना ब्लू, ब्लू ब्लू कलर ब्लू कल माइन साउथ ऑफ इसका, इसका स्काई ब्लू भी कलर कर सकते हैं एंड डार्क ब्लू भी कर सकते हो ठीक है आपकी मर्जी है दोनों ऑप्शन आपके पास है इसके बाद आपको जाना पर्पल कलर माइनस कर देना कर देना डन एंड इसके बाद यहाँ से चले जाना आपको नीचे टूल में फोटो की जगह है इस होगी आपको उसको बढ़ा देना है एंड जो फोटो में विगनेट होगा तो वो हल्का सा डाल देना है फिर नीचे स्क्रोल करोगे आपको मिला ग्रीन अमाउंट आपको उसको बढ़ा देना है एंड चले जाना इसके नीचे टूल में फोटो की जो शार्पनेस होगी आपको उसको उसको कर देना एंड जो नोट रुकस होगा आपको उसको बढ़ा देना है एंड जो इस कलर नोट रुकस होगा आपको उसको भी बढ़ा देना है तो कैसे फाइनली जो फोटो का रिजल्ट है वो आप सभी के सामने तो आशा करता है और आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना तो चलिए गाइस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय